लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कोरोना वायरस का संक्रमण पूरे देश में तेजी से फैल रहा है। इसके संक्रमण से बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही सरकार ने भारत में कुछ जगहों पर लॉकडाउन से राहत भी दी है। लॉकडाउन से मिली छूट तो जूझना पड़ा भारी ट्रैफिक से। ट्विटर पर आए जाम के कई वीडियो सरकार ने कोरोना संक्रमित इलाकों को 4 जोन में बांटा है। इन 4 इलाकों में से ग्रीन और ऑरेंज भी इलाकों में सरकार ने कुछ नियमों के साथ 20 अप्रैल से लॉकडाउन में राहत दी है, लेकिन इन इलाकों में लॉकडाउन खुलने से काफी दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। लॉकडाउन से मिली छूट तो जूझना पड़ा भारी ट्रैफिक से। ट्विटर पर आए जाम के कई वीडियो। वहीं दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली में इस बीमारी का तेजी से प्रसार हो रहा है। इस स्थिति के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार कम से कम 1 सप्ताह के लिए दिल्ली में लॉकडाउन नहीं खोलेगी। लॉकडाउन से मिली छूट तो जूझना पड़ा भारी ट्रैफिक से। ट्विटर पर आए जाम के कई वीडियो। आपको बता दें कि दिल्ली में भारत की कुल जनसंख्या के 2% लोग रहते हैं, लेकिन देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के कुल प्रतिशत का 12% हिस्सा सिर्फ दिल्ली में ही है। दिल्ली में रविवार को 110 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। लॉकडाउन से मिली छूट तो जूझना पड़ा भारी ट्रैफिक से। ट्विटर पर आए जाम के कई वीडियो। इस बात की पुष्टि दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने की है। अब दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2003 हो चुकी है। इसके साथ ही यहां पर इस वायरस के चलते 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लॉकडाउन से मिली छूट तो जूझना पड़ा भारी ट्रैफिक से। ट्विटर पर आए जाम के कई वीडियो। लेकिन जिन जगहों पर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन में छूट दी है, वहां अचानक ही सड़कें ट्रैफिक से भर गई हैं। लॉकडाउन में छूट मिलते ही लोग अपने वाहनों से वाहन निकले हैं और भारी संख्या में वाहनों के जाम सड़कों पर नजर आ रहे हैं। लॉकडाउन से मिली छूट तो जूझना पड़ा भारी ट्रैफिक से। ट्विटर पर आए जाम के कई वीडियो। इस बात की जानकारी ट्विटर से सामने आई है। कई लोगों ने जाम में फंसे रहकर वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किए हैं। देश के कई हिस्सों से कई सारे वीडियो सामने आए हैं जहां सड़कों पर भारी जाम देखने को मिल रहा है।